नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 13 अप्रैल 2024 को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मेष राशि में पहले से ही सूर्यदेव मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं, तो 30 अप्रैल 2024 तक सूर्य और गुरु की युति बनने वाली है। महान राजयोग गज केसरी राजयोग बनने वाला है। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और 17 दिनों के पश्चात यानी 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक सूर्य और गुरु मेष राशि में ही रहेंगे, उसके पश्चात गुरु अपना परिवर्तन भी करने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, जहां सभी नवग्रहों में देव गुरु बृहस्पति को सबसे प्रभावशाली ग्रह, सबसे शुभ ग्रह माना गया है, गुरु को धर्म, संतान, वैवाहिक जीवन, धन, इन सब विषयों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर गुरु का विशेष प्रभाव होता है। वही सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को मान सम्मान, शारीरिक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आजीविका, सरकारी क्षेत्र, आत्मबल, पिता, इन सब विषयों का कारक सूर्य को माना जाता है। इन सभी चीजों पर सूर्य का प्रभाव होता है। दोनों ग्रहों का जो संयोग है, जबरदस्त सफलता देने वाला बन जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं शुभ ग्रहों का संयोग आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाला है। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए प्रथम भाव पर 13 अप्रैल को सूर्यदेव मौजूद होने वाले हैं और उच्च राशि में प्रभावी होने वाले हैं। यानी आपकी राशि उच्च राशि है तो आपकी राशि में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होने वाले हैं। तो इन 17 दिनों की समयावधि में, चूंकि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और गुरु आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य भाव के स्वामी का त्रिकोण भाव यानी पंचमेश के साथ संबंध आपके किस्मत में काफी बुलंदियां देने वाला है। प्रथम भाव पर दोनों ग्रहों की शक्तिशाली युति बनने से सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में व्यक्तित्व में जबरदस्त उत्साह मिल सकता है। प्रथम भाव पर सूर्य के साथ गुरु की प्रभावी अवस्था कर्म क्षेत्र के मामले में जबरदस्त सफलता आपको देने वाली है। सूर्य उच्च प्रशासनिक पदों के कारक माने जाते हैं और गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक माने जाते हैं। अपने ज्ञान की परिपूर्णता के द्वारा आप सराहनीय पदों पर, उच्च पदों पर पहुंचने में सफल रह सकते हैं। ये 17 दिन के जो समयावधि है, ये 12 वर्षों के पश्चात बन रही है। इसमें आपके जीवन में मान सम्मान के लिए काफी सकारात्मकता बनने वाली है। और मेष राशि वाले जातकों के संतान के मामले में यह समय बहुत ही जबरदस्त है। संतान की प्रगति होने वाली है। और मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में संतान नहीं है, संतान का सुख भी आपके जीवन में इस समयावधि में मिल सकता है। साथ में मेष राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ उत्साह की वृद्धि, जीवन साथी के प्रति समर्पण विशेष रूप से विकसित होने वाला है। साथ में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव को प्रभावित करेगी। यहां पर आपको भाग्य का भरपूर सहयोग आसानी से मिलने वाला है। और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धार्मिक क्रियाकलापों में धर्म कर्म के प्रति विशेष जुड़ाव आपका जीवन में बन सकता है। और इस समयावधि में मेष राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से ही धन के मामले में नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं,
आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं भी दूर होने वाली है। प्रथम भाव पर आपके व्यक्तित्व पर ही गज केसरी योग बनेगा। इस समयावधि में विदेश से संबंधित यात्रा भी आपके जीवन में होने वाली है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवमेष और व्यय भाव के स्वामी विदेश भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य के साथ उच्च राशि में सूर्य के साथ गुरु की प्रभावी अवस्था विदेश संबंधित कामों में शुभता भी आपको इस समयावधि में जबरदस्त रूप से देने वाली है। और यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सुख संसाधन में बढ़ोतरी की संभावना भी बन रही है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का भौतिक सुखों का अभाव है, उसमें आपको निजात मिलने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, सूर्य और गुरु की युति बनने वाली है। इस समयावधि में ऐसे बच्चे जो जन्म लेने वाले हैं, उनके कुंडली के ऊपर महान राजयोग बनने वाला है। वर्तमान में यदि आपके ऊपर सूर्य की या गुरु की महादशा चल रही है और सूर्य देव आपकी राशि में काफी कमजोर अवस्था में विराजित हैं, तो आपको तांबे के लोटे के द्वारा सूर्य को अर्घ देना बेहतर रहेगा। साथ में ओम घृणित सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।